आज हम बनाएंगे ग्लूकोज सिरप। ग्लूकोज सिरप यह कौन सिरप का सब्स्टिट्यूट है? ग्लूकोज सिरप घर का बनाया हुआ स्वस्थ विकल्प है जो चीनी, पानी और नींबू से बनाया जाता है। इसे आप किसी भी प्रिजर्वेटिव के बिना लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप का उपयोग बेक किए गए सामान, फोंडेंट केक, कैंडी, फ्रॉस्टिंग, जेली, इन सभी में किया जाता है। ग्लूकोज सिरप बनाने के लिए हम एक पतीले में एक कप चीनी लेंगे, यह करीब 150 ग्राम है। इसी में ऐड करेंगे आधा कप पानी। इस पतीले को हम गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी नमक। चीनी जब पानी में घुल जाएगी तब हम इस नींबू को ऐड करेंगे। अभी लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए हम चीनी को पिघलने देंगे। फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चीनी पानी में घुल चुकी है तो इसमें हम ऐड करेंगे एक नींबू का टुकड़ा। यहाँ पर हम नींबू का रस नहीं डालेंगे बल्कि नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। इस ग्लूकोज सिरप को बनाने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगता है। हमें इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाना है और फ्लेम को लो ही रखना है। इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो अभी हमें इस नींबू के टुकड़े को बाहर निकालना है। तो अभी हमारा ग्लूकोज सिरप लगभग बनकर तैयार है तो गैस को हम ऑफ करेंगे और इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी एक तार वाली होनी चाहिए। इसे हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इस पानी में हम थोड़ा सा सिरप डालेंगे। अगर सिरप गाढ़ा होकर इकट्ठा हो रहा है तो हमारा ग्लूकोज सिरप बनकर तैयार है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे और फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे और कई स्वीट्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। जल्द ही आप इस चैनल पर कॉर्न सिरप और ग्लूकोज सिरप से रिलेटेड रेसिपी देखने वाले हैं। तो अगर आपको यह ग्लूकोज सिरप की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।